हैप्पी दिवाली आप सबको, गुरु जी को भी हैप्पी दिवाली, संगत जी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही बड़ा दिन है दिवाली का संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा होती है आप सबको। संगत जी एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके परिवार को भी। संगत जी आज मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है दिवाली वाले दिन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी मैं तो अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे को आज ये मौका मिला है, गुरु जी ने मौका दिया है। संगत जी आज का सत्संग सुन करना आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये दिवाली का स्पेशल सत्संग है जो कि गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस दिवाली के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस दिवाली के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब मोहित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मोहित हूं, गुरुजी की संगत हूं, दिल्ली के अंदर रहता हूं, करोल बाग नाम की जगह है दिल्ली में, मैं वहां पे रहता हूं। संगत जी मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था संगत जी, कुछ भी जिसको आप कह सकते हो मेरे पास नहीं था। दुकान थी, काम नहीं चलता था, मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती थी, शादी हुई हुई थी और आगे घर की प्रॉब्लम, घर छोटा पड़ रहा था, क्या करता संगत जी। हर तरफ से मेरे को किस्मत की मार पड़ रही थी संगत जी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मतलब किस दर पे जाऊँ। कोई कहता यहाँ चले जाओ, कोई कहता वहाँ चले जाओ, मतलब संगत जी लोगों की बातें मतलब कि मैं मान भी रहा था और नहीं भी मान रहा था। कभी मैं पंडितों के पास पहुंच जाता था हाथ दिखाने के लिए, कभी अपनी कुंडलियां दिखाने के लिए। संगत जी बड़ा परेशान हो गया था मैं, करता तो करता गया। ऐसी संगत जी एक दिन बैठे बैठे ना मैं फेसबुक चला रहा था, फेसबुक चलाते चलाते संगत जी ऐसे स्क्रॉल करते करते ना गुरु जी का स्वरूप आ गया। अब गुरु जी का स्वरूप आप सब जानते होंगे ये बात कि गुरु जी का स्वरूप देखते ही ना संगत जी मतलब इंसान भूल नहीं सकता गुरु जी को, है ना। कुछ ऐसा उनके चेहरे पे नूर है संगत जी, कुछ ऐसा मतलब ऐसी बात है कुछ कि एक बार कोई देख लेना तो वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकता गुरु जी को। और मेरे साथ भी संगत जी वैसा ही हुआ, मैंने गुरु जी को देखा और मेरी आंखों में ऐसा मतलब आया कि अरे ये कौन है। पहले संगत जी मुझे लगा कि मतलब ये बाहर के कोई होंगे, कोई मतलब संत महात्मा होंगे या कुछ ऐसे बाबा होंगे बाहर के, इंडिया के नहीं लग रहे थे संगत जी मेरे को। ये ऐसे देखते देखते संगत जी फिर मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही थी और नीचे हिंदी में लिखा हुआ था जय गुरु जी और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय लिखा हुआ था। अब मैं देख के बड़ा मुझे वो हुआ कि अरे तो हिंदी में लिखा हुआ है तो मतलब ये यही के ही है ये मतलब संगत जी। फिर मैंने वो पेज खोल लिया पूरा, मतलब उसमें और भी गुरु जी के स्वरूप थे, गुरु जी के सत्संग थे। संगत जी देख देख के ना बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँ, ये मेरे लिए जगह बनी है, यहाँ से मुझे बुलावा आ रहा है। संगत जी ऐसा होता है ना कि मतलब जब गुरु जी का बुलावा आता है ना जब, तो फिर संगत जी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको जाना ही पड़ता है, फिर तो कोई और ऑप्शन रह ही नहीं जाता संगत जी। अगर आपको एक बार ही गुरु जी का बुलावा आ गया, गुरु जी के दर से बुलावा आ गया अगर आपको, तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा, जाकर ही आपके सारे काम बनेंगे। संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे देखते देखते संगत जी आप मतलब हैरान हो जाओगे, किसी ने मेरे को नहीं कहा वहां जाने के लिए। मतलब जैसे कोई अंकल कहते हैं, कोई दोस्त कहता है, कोई रिश्तेदार कहता है, मेरे साथ संगत जी कुछ वैसा हुआ ही नहीं। मैंने खुद देख के संगत जी मैं गुरु जी के पास गया हूँ, खुद ऑनलाइन देख करके मैं गुरु जी के पास गया हूँ संगत जी।
कोई मेरे को मतलब किसी ने कहा ही नहीं समझ, मेरी मतलब इतनी दोस्ती यारी भी नहीं है और कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है कि कोई मुझे बताए या कुछ ऐसा नहीं संगत जी। मैंने अपने आप ही फेसबुक पे देख देख कर संगत जी मैं गुरु जी के पास में चला गया। और जाना भी देखो कैसे हुआ, संगत जी मेरे पास कोई गाड़ी स्कूटर कुछ नहीं है संगत जी, कोई व्हीकल नहीं है मेरे पास, आज भी नहीं है। पर इसमें भी संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी आपने मेरे को इतना अमीर भी नहीं बनाया कि मैं लोगों को भूल जाऊं, कि मैं किसी को कुछ समझू ही ना, इतना अमीर गुरु जी मेरे को मत बनाना कि मैं किसी को भी कुछ ना समझू। क्योंकि संगत जी ये जो ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, बड़े बड़े मतलब ऐसे मकानों वाले होते हैं, तो संगत जी ये लोगों को ना कुछ समझते नहीं है, ये अपने से नीचे वालों को कुछ समझते ही नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं समझते। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं वैसा बनूं, मैं चाहता हूं मैं तो बिल्कुल मतलब जमीन के साथ में टच रहूं बस। क्या करना है संगत जी इतने पैसे का, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है ना, ये शरीर भी साथ नहीं जाना, जो हम लोग ये शरीर को सजाते रहते हैं, बैठ के इसका ध्यान रखते रहते हैं, ये भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये तो मिट्टी है। और पैसा तो आप भूल ही जाओ, पैसा क्या साथ जाएगा संगत जी, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। ये तो हम लोग सारी जिंदगी पैसे के लिए पीछे भागते रहते हैं, पैसों के, जबकि संगत जी वो भी साथ नहीं जाना, पैसा तो बिल्कुल भी साथ नहीं जाना आपके। और मतलब इसके पीछे लोगों को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, लोगों को धोखा देना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता संगत जी पैसे कमाने के लिए लोगों को, है ना, इतने बुरे से बुरे काम भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जबकि ये फिर साथ नहीं जाना, तो हम लोग ना भूल जाते हैं बिल्कुल भी। तो मुझे संगत जी, मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मेरे को इतना अमीर आप मत बनाना। हाँ ठीक बात है, काम चले, इतना चले कि घर का खर्चा निकलता रहे, बच्चों का आराम से घर मतलब चलता रहे, बस इतना चाहिए। ये नहीं कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, बड़े बड़े मकानों में घूमूं, आराम से घर बैठा रहूं, ये मुझे नहीं करना संगत जी, ये काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तो मैंने गुरुजी से बोल दिया, संगत जी मैं गुरुजी के पास जब पहली बार गया ना, तो मैं मेट्रो से गया था संगत जी गुरुजी के पास। अब मेट्रो से जाना भी संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी संगत जी, मेरे मतलब मेरे पास मेट्रो के मतलब जाने के लिए भी संगत जी पैसे नहीं थे। मैं आपको साफ बताऊं ना, अगर तो मेरे पास मेट्रो में जाने के लिए भी गुरुजी के पास पैसे नहीं थे जेब में, मुश्किल से 20-30 रुपए थे बस। और मैं चला गया बिना मतलब कि घर बताए संगत जी, क्योंकि अगर मैं घर में ये बात बताता तो मेरे को घर वाले जाने ही ना देते, खास करके मेरी आंटी और मम्मी। संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं मानते, मतलब बिल्कुल भी आज तक नहीं मानते संगत जी। मैं मतलब मैं अपने घर में अभी इस समय गुरुजी का स्वरूप नहीं लगा सकता, घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मैं नहीं लगा सकता संगत जी गुरुजी का स्वरूप। क्योंकि देखो वो लोग मानते तो नहीं है, और ना वो मतलब ये भी नहीं चाहते कि मैं मानूं, वो ये भी नहीं चाहते संगत जी। एक बारी मेरी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन पे लगा हुआ वॉलपेपर देख लिया, संगत जी हमारी इतनी लड़ाई हुई वो तो मेरे पीछे पड़ गई, कह रही ये क्या कर दिया आपने, आप यहाँ क्यों जाते हो, यहाँ जाना छोड़ दो। पता नहीं क्यों संगत जी ऐसी बात है, कोई बात नहीं, अब ये अपने आप संगत जी समय के साथ साथ चीजें ठीक हो जाती हैं, अपना मतलब अपने आप दिमाग ठीक हो जाता है, जब मतलब अभी उनका दिमाग खराब चल रहा है, अपने आप समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। मैं तो मेरा संगत जी गुरु जी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मेरा काम गुरु जी ने चलवाया, संगत जी मेरा काम बंद हुआ हुआ काम गुरु जी ने चलवाया। तो मैं आपको पहले यही बताता हूँ कि मैं पहली बार मेट्रो से गुरुजी के पास कैसे गया था। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए एक बारी, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी क्या हुआ कि ना, जैसा मैंने आपको बताया पैसे नहीं थे पास में, अब मैं चला गया। अब आप देखो 20-30 रुपए से मैं गुरुजी के पास गया भी, गुरुजी के मतलब मंदिर से घर वापिस भी आया सिर्फ इन 20-30 रुपए के अंदर। वो कैसे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता संगत जी ये सब कुछ कैसे हुआ। अचानक से मेट्रो स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी संगत जी, अब बाकियों को लग रहा होगा कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी जाना कैसे है। संगत जी फोन खोला, फेसबुक खोला, तो उसमें आ रहा था कि छतरपुर में है गुरुजी का आश्रम है,
अब मैं छतरपुर में आ गया, अब मुझे क्या पता अब आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। संगत जी मैं वहीं पे खड़ा हो गया, अचानक से एक स्कूटर पे आते हैं अंकल एक्टिवा के ऊपर। वो मुझे पूछते हैं कि अंकल आपने बड़े मंदिर जाना है? मैंने कहा बिल्कुल जाना है। आप भी वहीं जा रहे हो? मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ जी मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल आप मुझे वहाँ साथ ले जा सकते हो? मुझे मतलब कि पता नहीं है मुझे कि कैसे जाते हैं, और मैं मतलब कि पैसे भी नहीं है मेरे पास। वो कहते मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप भी वहीं चलो और गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। वो इतने अच्छे अंकल संगत जी, इतने अच्छे वो अंकल, वो मुझे ले के तो गए, वो मुझे वापसी भी लेकर आए संगत जी, वापसी भी। और पता क्या चला, मेरे घर के साथ में यानी कि करोल बाग के साथ संगत जी एक जगह है राजेंद्र नगर, वो वहां पे रहते हैं। वो मुझे घर तक छोड़ के गए संगत जी, घर तक। और ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ। मैंने आपको पहले बताया ना कि 20 से 30 रुपए के अंदर गुरु जी के बड़े मंदिर जाना और बड़े मंदिर से घर वापिस आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। चमत्कार है गुरु जी का चमत्कार है ये। वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता संगत जी, आजकल महंगाई इतनी, आप मेट्रो पे जाओ पता चल जाएगा, है ना, कोई ऑटो रिक्शा पकड़ो पता चल जाएगा आपको कि 20-30 रुपए में क्या होता है, कुछ भी नहीं होते संगत जी। और उतना ही नहीं, जैसे मैं घर आया, घर मतलब घर वाले पूछते कहाँ गए थे, मम्मी पूछती, अंकल मतलब कि जो मेरी आंटी है वो पूछती, मेरे पापा पूछते कहाँ गया था बेटा, मैंने बता दिया कि मैं गुरुजी के पास गया था। संगत जी वो कुछ भी नहीं बोले मेरे को उस दिन, तो कुछ भी नहीं बोले। आप बताओ अगले दिन बेशक उन्होंने मेरे को मतलब कि बहुत मतलब कि लड़ाई करी मेरे साथ उन्होंने, पर उस दिन संगत जी खास करके वो मेरे को कुछ भी नहीं बोले। मेरा ऐसे ही काम चल गया। मुझे डर था कि वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे आप मतलब काम करते नहीं हो, मंदिरों के अंदर घूम रहे हो, ऐसे मतलब ऐसे घर चलेगा क्या? तो संगत जी देखो काम चलना होता है ना, अगर तो काम चलना होता है, किस्मत में लिखा हुआ है, तो संगत जी घर बैठ के भी काम चलता रहेगा, ये मैंने देख लिया। मतलब ऐसे साधन बन जाते हैं कि घर बैठे बैठे काम चलते रहते हैं। अभी मेरे साथ यही हो रहा है संगत जी, अभी आप देख लो, अभी मेरी शॉप नहीं खुली है, पर संगत जी मैं सुबह से मैं सेल अपनी कर चुका हूँ फोन के ऊपर बैठा हुआ, ऐसा मेरा काम गुरु ने चला दिया। फोन पे ही फोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, अपने आप संगत जी सारी चीजें हो जाती हैं, सेल भी हो जाती है, पेमेंट भी आ जाती है। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा वो कर रहे हैं, हर वक्त कृपा करते हैं संगत जी, हर वक्त। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं कैसे उनका शुक्राना करूं, कैसे उनका धन्यवाद करूं, कैसे उनका थैंक्स करूं, ये मेरी समझ से बाहर है। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि संगत जी ये दिवाली का जो त्योहार है ना, ये बहुत बड़ा दिन होता है आज का, बहुत ही बड़ा दिन होता है संगत जी। इस दिन गुरु जी की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है अपनी संगत के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कृपा होती है। और वो संगत को ब्लेस भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं संगत जी, गुरु जी दिवाली के ऊपर गिफ्ट भी देते हैं संगत को, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। मतलब ऐसा तो नहीं, आप ये मत समझना कि गुरु जी खुद घर पे आके गिफ्ट देते हैं संगत जी, देखो ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, गुरु जी अपनी संगत के थ्रू गिफ्ट भिजवाते हैं, जो पता भी नहीं होता कि ये संगत को हम जानते हैं, ये हमारे घर पे आएंगे, वो गिफ्ट दे के चले जाते हैं। ऐसा देखा है मैंने, संगत जी सुना भी है, देखा भी है, सत्संग भी सुना हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन है आज का संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सत्संग को ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, बीच में छोड़कर मत जाया करो, सत्संग को सुनो तो पूरा सुनो, क्योंकि संगत जी अगर आप बीच में छोड़ चले आते हो ना तो ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं। फिर ब्लेसिंग आपको अगर पूरी मिलनी है तो वो आधी मिलेगी, इससे बढ़िया पूरी ब्लेसिंग लो, पूरा सत्संग सुनो। क्या जाता है संगत जी, पूरे दिन में से अगर हम 10 से 15 मिनट निकाल भी लेते हैं गुरु जी के सत्संग के लिए, तो क्या चला जाता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं जाता संगत जी, कुछ भी नहीं जाता। सो प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मैं तो यही कहूंगा, सबका कल्याण गुरु जी करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबकी अरदास पूरी करें, कोई संगत गुरु जी अभी परेशान ना हो, दुखी ना रहे,
हर संगत खुश रहे, घर में खुशियाँ आए, दिवाली की पूजा करना, घर में देखना आपकी खुशियाँ भी आएंगी, लक्ष्मी जी भी आएंगी, लक्ष्मी जी भी आएंगे आपके घर पे, गणेश जी भी आएंगे और गुरु जी भी आएंगे, संगत जी आपके ऊपर कृपा करने, दिवाली की पूजा जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गुरु जी, हैप्पी दिवाली संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।